जनता को साथ होते क्या कहना चाहते हैं? जनता मर रही है महंगाई से। महंगाई है ना? हाँ, अभी साफ है भाजपा का जीत रहा है। भाजपा साफ बता रहा है, आपके सामने आएगा जहाँ भी रहेंगे आप काउंटिंग से जीतने जा रहे हैं माननीय नीरज शेखर जी, और इसको देखने के हिसाब से लग रहा है कि 400 पार निश्चित जाएंगे। थोड़ा मोदी जी को ये सुना कि 4 किलो राशन दे थोड़ा तू आदू भी आखिर चढ़ गल ओके दे उदी है योगी जी से कहिए भाई योगी से कहा मलकार हुए ना सर दिल्ली में चढ़ा दो बीघा खेत चढ़ गल दो बीघा जताओ बम कितना लगे इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी नहीं बनेगी। युवाओं को जितना विज्ञापन निकल रहा है विज्ञापन निकलने पर चढ़ गल माहौल की सरगर्मियां एक चरण में समाप्त हो चुकी हैं। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश का बलिया है, और बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का घोषित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के सपने को रोकने की हम पूरी कोशिश करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपको? और आप कुमार सिंह, लोकसभा अजय कुमार सिंह। लोकसभा सीट आपका कौन सा है? बलिया 72। बलिया बलिया 72। तो कौन भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है? बलिया से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीरज शेखर जी को बनाया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लड़के हैं। एक बड़ा दाव के लगता है बीजेपी ने खेल दिया बलिया से। बलिया को बागी बलिया की भूमि कही जाती है, क्या लगता है? जी बागी बलिया है, ही है। बागी बलिया है। अच्छा, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं तो क्या लगता है विकास? एकदम यहाँ बलिया लोकसभा 2 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं माननीय नीरज शेखर जी, और इसको देखने के हिसाब से लग रहा है कि 400 पार निश्चित जाएंगे। 400 पार आपको क्या लगता है? 400 पार एकदम कोई उसमें संदेह नहीं है। हाँ, ये प्योर गारंटी है कि 400 पार। तो कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, ये तो हमेशा सदैव चला आ रहा है ना। कोई ये महंगाई अभी नहीं ना शुरू हुई है, ये तो सदैव से चलते आ रहे हैं, कोई अभी का है नहीं। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव बहुत उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। वो कुछ नहीं, वो जीरो हैं। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर 80 का 80 सीट नहीं मिल रहा। बलिया लोकसभा में माननीय अखिलेश जी को अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तमाम लोगों का दरवाजा खटखटा, लेकिन कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब जी। बलिया में जी तो सपा कह रही कि आजमगढ़ मंडल को तो उनका गढ़ माना जाता था। गढ़ अपने आप गर्व मान रहे होंगे वो, लेकिन इस बार का नतीजा देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बलिया हो, गाजीपुर हो, बगल में घोसी है, सब घोसी से तो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को एकदम गारंटी के साथ जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हम उनका बेटा निश्चित जीतेगा। यहीं के रहने वाले भैया? हाँ, यही सिंगेरा कराने वाला हूँ। बलिया में आता है? बलिया में आता है। क्या लगता है इस बार चंद्रशेखर जी के बेटे पर बीजेपी ने दाव खेल दिया? अच्छा खेला है। अच्छा खेला, बहुत बढ़िया। 400 पार की बातें कर रही है। पार है 400। महंगाई की बात क्या लगता है? महंगाई कितना बड़ा विपक्ष महंगाई को मुद्दा बड़ा बना रहे? महंगाई कुछ नहीं है, युवा है, रोजगार बेरोजगारी की नहीं, रोजगार है, महंगाई रोजगार हूँ। आप रोजगार है? रोजगार या स्वरोजगार? रोजगार हूँ, सर्विस करता हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को लेकर? विपक्ष बड़ा हल्ला कर रहा है मोदी जी। विपक्ष हल्ला करने दीजिए विपक्ष हो। महंगाई होता तो एक परिवार में 5-5 मोबाइल नहीं होता, 300-300 का रिचार्ज कर रहे, सब महंगाई कुछ नहीं है। इसके पहले 150 हम लोग को मजदूरी मिलता, 150 मजदूरी मिलता था, आज 700 मिल रहा है, क्या महंगाई है? हर लड़के के पास इंड्राइड फोन 20,000 का, क्या महंगाई है? 700 रुपया मिल रहा है, मिल रहा है। आइए आइए, जब तक हमको मिल रहा है, आइए भैया, आइए हमको मिल रहा है, मिल रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप लोग मिला, हम लोग 300 रुपया, हम लोग तो मजदूरी करके आ रहे हैं, 300 रुपया मिला है। जनता को साथ होते हैं, क्या कह रहे हैं? जनता मर रही है महंगाई से। महंगाई है ना? हाँ, अभी साफ है भाजपा कहीं जीत रहा है। भाजपा साफ बता रहा है, आपके सामने आएगा जहाँ भी रहेंगे आप काउंटिंग देखिएगा, वो कहने दीजिए। हाँ, हर जगह सीट तो कोई मैंने गारंटी है, 400 भी जीत रहे हैं, गाजीपुर भी जीतेंगे। राय साहब जो हैं बोलते हैं आपका बलिया क्षेत्र है लोकसभा, बलिया का यही है कि सपा ने तो अभी प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया, अभी प्रत्याशी नहीं कोई मिल रहा है। नीरज शेखर का बागी बलिया नेता नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए, कौन नेता है बताइए? विपक्ष में कोई नेते नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं हम योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री, बिना नेता कैसे प्रधानमंत्री से देश चलेगा? बताया बताइए, आप भी मानव है, प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है, और कैसे हरा देंगे मोदी जी को? मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है, विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज तक इस तरह से बात का कोई प्रधानमंत्री जाकर सीना तान के कहीं बात करता था? माननीय मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग माननीय मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं, उनको वोट करेंगे। आ रहे हैं, क्या लगता है सर? नहीं सही बता रहे हैं जो अजय सिंह तो बगल में क्या गया कि बीजेपी अभी तो बगल में क्या गया है साहब, कह रहे हैं कि 100 रुपया हम भी बेरोजगार थे, लेकिन सर्विस कर रहा हूँ।
करिए, उसको मिलेगा ना राशन वासन मिल रहा है। हाँ राशन हर गरीब को पास नहीं है, करेंगे तो मिलेगा। राशन क्या मुद्दा है? राशन तो मिल ही रहा, फ्री लोगों को मिल रहा। 5 किलो चावल एक परिवार में लोगों तो खरीद कर बेच भी रहे हैं। बलिया से आते हैं। हाँ जी, लोकसभा सीट आपकी बलिया है। अच्छा अच्छा, कहाँ घर है? घर कहाँ है? घोसी के रहने वाले हैं। चलिए और भी लोग हैं पीछे, आइए 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 आइए। क्या लगता है मोदी जी 400 पार की बात? मोदी जी को गोली मारा? हाँ। छोड़ा मोदी जी को? हाँ। ये सुना कि 4 किलो राशन देते हुआ तू आ 2 बीघा खेत चढ़ गया लौके दे उदी है। तो जोगी जी से कहिए भाई, जोगी से कहा कहा मलकार हुए ना साली दिल्ली बैठा हम 2 बीघा खेत चढ़ गया। हाँ। 2 बीघा जोताओ बो में कितना लगे अब सोच ला तू, कैसे आदमी खाए? 4 किलो से राशन से काम चले? साढ़ का व्यवस्था करें, इसके बाद वोट दिया जाएगा। साढ़ का व्यवस्था करें? हाँ साढ़ की व्यवस्था करें तो बीजेपी को वोट देंगे। भैया आपको क्या लगता है इस बार? हमको लगता है कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। काहे नहीं बनेगी? युवाओं को जितना विज्ञापन निकल रहा है, विज्ञापन निकलने पर चढ़ गया, 2 बीघा चढ़ गया, साढ़ की व्यवस्था करिए। हाँ प्रधान जी की कमी है आपकी? प्रधान जी का करिए, प्रधान जी कमी है। वीडियो साहब को अभी फोन करिए, प्रधान जी से करेंगे। साढ़ मोदी जो कि छोड़वाए हैं, साढ़ की व्यवस्था करिए, उनसे बोलिए कि साढ़ की व्यवस्था करिए। आप बोलिए भाई, सरकार मंत्री के दावेदार हो गए, कुछ नहीं किया। अपने गांव प्रधान से सेक्रेटरी से कहिए, एकदम आदेश है। प्रधान अपने गाँव देखिए, देख लीजिए आदेश है कि नहीं है। बता रहे प्रधान अपना गाँव ही नहीं देख पा रहे। प्रधान नहीं देख रहे, प्रधान को समझिए। प्रधान बनाए हम तो, हम तो दूसरे गाँव सभा के हैं। राशन का काम चलेगा, कितना पैसा लगेगा? 2 बीघा जोतवाने में जानते हैं खेती है आपके पास, बताइए कितना लगेगा? 2 बीघा जोतवाने में कितना लगेगा? 2 बार व्यवस्था की गई, दोनों क्या करना चाहता? बहुत समस्या है जनता के बीच में, जनता के बीच में बहुत समस्या है। दुकान ये बताइए महंगाई है कि नहीं? महंगाई खगाई ना पाओ आदमी दिखाई दे रहा है, आदमी कोई दिखाई दे रहा है? हम लोग प्रधान है, मर रहे हैं, मिल रहा है कुछ? कोई प्रसाद में मर रहे हैं भूखे खाए बिना, अनाज उनाज मिले? भैया महंगाई है, महंगाई है, दूसरी बात है। साढ़ को पकड़वाइए, साढ़ को पकड़वाइए, इसके बाद मोदी जी की लड़ाई है। साढ़ से ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा, 2 बीघा खेत खत्म हो गया है। साढ़ को पकड़वाइए, इसके बाद मोदी जो योगी को प्रधानमंत्री बनवाइए। बार बार जो विज्ञापन लड़कों को भर्तियों का दे रहा है, वो सारे परेचय सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं। हर लड़कों का जो है कि 1500 हर भर्तियों में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नौजवान वोट देगा ऐसी स्थिति में? क्या लगता है भैया बलिया से? अच्छा ठीक है, चलिए बलिया है। बलिया में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे को बलिया से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अभी भी अपने प्रत्याशी की खोज में लगी हुई है, लेकिन बनिया में राजनीति फिलहाल क्या कुछ गर्म है, इसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में समझें। क्योंकि अभी बीते 2 दिनों पूरे ही गाजियाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैठक करते हैं और बताते हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर बलिया तक बीजेपी साफ होती नजर आ रही है और 150 बात के दावे ये करते हुए नजर आ रहे थे। तो वो तो दावे हैं भाई, पक्ष विपक्ष करेगा। तो इस तस्वीरों को हमने साधने के लिए बलिया में लोकसभा सीट पर पहुंचा और देखें यहां पे क्या कुछ लोगों की मन में थे।